अब सभी प्रत्याशियों को अपना लोकसभा चुनाव चिन्ह मिल चुका है, चाहे नेशनल पार्टी रहे या रजिस्टर्ड पार्टी रहे या फिर निर्दलीय लोग रहे, सभी को अपना अपना मनपसंद का चुनाव चिन्ह मिल चुका है। अब ये लोग 25 मई तक परेशान रहेंगे, जब तक कि वोटिंग नहीं हो जाए तब तक इन लोग का दिल धड़कते रहेगा और दिल मुंह पे तब तक आके रुका रहेगा जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता। सारे नेता अब व्याकुल और परेशान और ताबड़तोड़ पाए की झोंक में लग गए अपने अपने फील्ड में। ताबड़तोड़ रैली, ताबड़तोड़ नुक्कड़ सभा, ताबड़तोड़ जाके गांव-गांव में मिलना, उनको वोट के लिए अपील करना, साथ में बताना कि हम ये सारा काम करने जा रहे हैं। जनता भी मजे लेकर के उनकी सारी बात को एक कान से सुनती है, दूसरे कान से निकाल दी। मथुरा महतो जी बाघमारा क्षेत्र से यानी कि गिरिडीह लोकसभा चुनाव क्षेत्र से जेएमएम के प्रत्याशी हैं और वो अभी बाघमारा क्षेत्र में ताबड़तोड़ दौरा कर रहे हैं। तो सर के पास समय नहीं है, जैसे आप लोग जान रहे हैं आप लोगों के बीच में वो दो बातें रखेंगे, आप लोग सुनिए, फिर हम लोग जो लिस्ट वगैरह बनाते थे हम लोगों का काम आगे जारी रहे। हम लोग जो सामग्री है वो हम लोग जाएंगे, मैदान पे जाइए बिना हथियार के, तो हम लोग जो आपको देख के भेजेंगे कि फिर बिल है क्या है, पब्लिक को कन्विंस करना है, किसको देना है, तो ये बताना है, इन सब चीज़ों का भी हम लोग। गिरिडीह लोकसभा चुनाव में हमारे सबसे अहम चेहरा है और उनको आप भली भांति जान रहे हैं। जी हाँ, मथुरा महतो जी का बात कर रहे हैं जो जेएमएम से खड़े हैं। अब इनसे ये पूछना चाहते हैं कि जीतने के बाद पहला काम गिरिडीह के लिए क्या करने जा रहे हैं। देखिए, काम तो बहुत सारा है, काम में तो कोई एक काम नहीं है। हम लोग अगर पब्लिक चाहेगी कि हम लोग मत दे के इनको जिताएं, तो हम तो पहले जनता को अपील करेंगे कि अगर यदि हम लोग आपके सहयोग से जीतते हैं तो पहला काम है जो हमारा बेरोजगार लोग है उसको रोजगार में प्राथमिकता दिलाना। हेमंत सोरेन सरकार ने ऐसा एक्ट लाया, ऐसा कानून बनाया है, उस कानून को सख्ती से हम लोग लागू कराएंगे। दूसरा है कि बहुत दिनों से इस एरिया में उद्योग है तो विस्थापित का बहुत सारा समस्या है, उसको निराकरण में पहल करेंगे। तीसरा है कि जो पुनर्वास नहीं हुआ, जिन ऐसे बहुत सारा लोग है जो क्या आज जो है आए दिन खतरा लगा रहता है कि आज न कल हमारा घर उठ जाएगा, उसको पुनर्वास करने का भी हम लोग प्रयत्न करेंगे। चौथा है कि जैसे क्षेत्र में घूमते हैं तो सबसे ज़्यादा लोग आए दिन जो काम, जैसे पानी का, लोग हर जगह जाते हैं तो पानी नहीं है, स्वास्थ्य के लिए लचर व्यवस्था, शिक्षा का भी प्राथमिकता है, जहाँ पे बिजली का सर, तो झारखंड सरकार ने, माननीय हेमंत सरकार ने 125 यूनिट फ्री दे रहा है और आए दिन हमारे हमारे अगल बगल जो उद्योग चल रहा है, कल कारखाना चल रहा है, जिससे इन लोगों के सीएसआर में कराने का। तो ये सर ये कहना चाह रहे थे जैसे पानी की व्यवस्था, सबसे पहले रोजगार किस रूप में, उसका क्या एजेंडा है, पब्लिक जानना चाहता है, पब्लिक जानना चाहे चाहे आपसे ज्यादा बताना चाहते हैं। हमारे पास कई ऐसी योजना है जिसमें हम रोजगार, तो हम लोग आपको बताए सरकार ने, झारखंड सरकार ने, माननीय हेमंत सोरेन सरकार ने एक निर्णय लिया कि जो भी कल कारखाना जो 75% जो लागू नहीं है उसको सख्ती से पालन करना, ये एक बात है। ग्रामीण क्षेत्रों में जैसे पलायन हो रहा है, जो दूसरे प्रांत में जा रहा है, तो उसके लिए आप मेरा कुंडी आइए, कुंडी मॉडल का हम पूरे गिरिडीह में लाएंगे। कुंडी में क्या किया, टाटा स्टील फाउंडेशन से
हमने 100 एकड़ में 5 एकड़ और 3 साल में बाद तैयार हो जाएगा उसका उसी में तो जैसे बड़ा हुआ जमीन है जो कोई काम नहीं रहती थी मैंने बिल्कुल हम जो है नई तकनीक से विभिन्न खेती करते सोशल विकास सोशल विकास का भी जो है हम लोग महिलाओं को सशक्तिकरण के तौर पर हम आत्मनिर्भर बनने के लिए पहला बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप जनता को क्या समझे ईडी जनता को भी कितना देर तक हम समझे और जनता को ही हम बताना चाहते हैं कि जनता इस बार जो है मोदी जी का जो जुमलेबाजी था उससे रुक चुका है महंगाई से रुक चुका है इसलिए इस बार जनता मन बनाया है इंडिया के प्रति हम फील करते हैं कि जो वादा हम लोग करते हैं उसको पूरा करते हैं। हम लोगों ने कहा था कि सरकारी जो भी कर्मचारी पुराना पेंशन देंगे आज हम लोगों ने दरोगा सिपाही जो पुलिस में है जो भी मांग पूरा किया हम लोगों ने कोई ऐसा घर नहीं जिसको हम लोग 60 साल हो गया आपको 85 साल में हम पेंशन देते हैं महिला हो जो अगड़ी जाति पिछड़ी जाति कोई भी हो जो यहाँ के निवासी उसको आप देख रहे हैं सब पर नजर। धन्यवाद।